सद्दसार भिक्कु के नियम, भिक्कुणी के नियम। इस बात को अच्छी तरह से मन में बैठा लें, जो विनय पीटक है, विनय पीटक के अंदर सिर्फ पांच नियम जो पांच सील के हैं वही सबके लिए हैं, चाहे भिक्कु है, भिक्कुणी है, या कोई उपासक है, महिला है, बच्चा है, या कोई राजा है या प्रजा है, जितने भी दुनिया में लोग हैं उनके लिए पांच सील यानी पांच नियम हैं जो उनको पालन करने हैं अच्छे जीवन जीने के लिए। कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है। आपको अपना जीवन अगर सुखी बनाना है तो आप इन पांच नियम का पालन कीजिए। आपको अपना जीवन सुखी नहीं बनाना है तो आप बेशक इनका पांच नियम का पालन करें या ना करें, आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी बाध्यता नहीं है। मगर सुख चाहते हैं तो पांच नियम, पांच सील आपको अपनाने चाहिए, और जब आप पांच सील का नियम मानना शुरू कर देंगे तब से ही आपको सुख आना शुरू हो जाएगा उसी क्षण से। जो लोग ज़्यादा सीलों का पालन करना चाहते हैं उनमें जो साधारण मनुष्य हैं वो बुद्ध विहार में जाके आठ सील का पालन भी कर सकते हैं, आठ नियम का, तीन नियम और भी हैं। मगर जो सारे नियम हैं विनय के वो सिर्फ भिक्कु के लिए और भिक्कुणी के लिए हैं, यानी कि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी टीचर हैं, यानी जिनको टीचर बनाया गया है, जो भिक्कू हैं, जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए बाध्यता है, उनके लिए कंपलसरी है कि वो सारे नियम माने। इसलिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आदमी आपस में जब बहस करते हैं तो कहते हैं कि आप कैसे बुद्धिस्ट हो, आप कैसे बुद्ध के अनुयायी हो, आप तो मांस खा रहे हो, आप तो गंजे नहीं हो, आपने पीले कपड़े नहीं पहने हुए हैं, आपने भगवा कलर नहीं पहना हुआ है, अरे आप तो ऐसे कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। जब भी आप बातचीत करें, बातचीत में इस बात का ध्यान रखें कि पांच नियम आपके लिए हैं, बाकी नियम आपके लिए नहीं हैं, बाकी नियम भिक्कू के लिए हैं, भिक्कुणी के लिए हैं। इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन में लोग आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, कई बार अज्ञानता में वो आके बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे हम कैसे बुद्धिस्ट हैं, हमारे पास, हम इस बात को तो मानते नहीं, जबकि वो बात उनके लिए है ही नहीं, वो बात भिक्कू के लिए हैं, भिक्कुणी के लिए हैं, आपके लिए पांच सील हैं। इसलिए किसी से बातचीत करते समय, किसी से समझते समय, किसी को समझाते समय हमेशा इस लाइन को, इस बात को ध्यान रखिए कि आपके लिए सिर्फ पांच नियम हैं, बाकी सारे नियम भिक्कू और भिक्कुणी के हैं। बुद्धिस्ट या बौद्ध या धम्मिक लोग या बुद्ध की फिलॉसफी पर चलने वाले लोग या जो पूरी दुनिया में बुद्ध की फिलॉसफी पर चलने वाले लोग हैं उनमें ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। इस पचड़े में, इस झगड़े में कभी भी ना पड़े। पांच नियम आपके लिए हैं, बाकी नियम सब भिक्कू और भिक्कुणी के लिए हैं। धन्यवाद।